नमस्कार, मैं हूं परवीन अहलावत और मेरे साथ अजय गुलिया साहब हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं और वैसे भी जनता जनता पार्टी खासी चर्चा में बनी हुई है। खासी चर्चा में इसलिए बनी हुई है, कोई ऐसे बड़े काम नहीं है जो करके दिखा दिए, बल्कि इसलिए चर्चा में बनी हुई है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और आप जानते होंगे कि पेंशन है 250 रुपये बड़ी है और उसमें क्रेडिट JJP को दिया गया है 50 रुपये, और जैसा कि 5100 रुपये घोषणा थी तो जनता है वो खासी नाराज है, वो बताई जा रही है। और उल्टा JJP के लोग कह रहे हैं कि इससे भी काफ़ी ज़्यादा आर्थिक बोझ बढ़ा है, और जनता के सामने दुष्यंत चौटाला भी बोल रहे हैं कि हमने कुछ ना कुछ तो बढ़ाई है। तो अजय गुलिया साहब से पूछेंगे कि क्या अपनी प्रतिक्रिया वो इस पर रखते हैं। अजय जी, बड़े बड़े वायदे हैं किए थे और आपने भी किए थे और जनता देखती है, 50 रुपये है आपके 10 विधायकों की कीमत है, वो भाजपा सरकार ने लगाई है, अब कैसे बचाव करेंगे मतलब आप? प्रवीण भाई, लोकतंत्र में विधायकों की कीमत, देखिए मैं तो पत्रकारिता के से जुड़े लोगों का सम्मान करता हूँ, पर इस बात का तो मैं आपके का विरोध करूँगा कि भाई कीमत लगाई है, विधायकों की कीमत नहीं है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, सरकार 5 साल के लिए चुनी जाती है। हाँ। ये मैं आपको फिर अश्योर कर दे रहा हूँ कि जो वादे करके आए थे, जब दोबारा जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो वो लगभग सारे वादे पूरे होंगे। क्योंकि मैं एक बात मानता हूँ, जो छात्र 80% 85% नंबर भी लेता है वो अच्छा छात्र होता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट होता है। तो जब दोबारा लोगों के बीच में वोट मांगने का समय होगा, सारे वादे पूरे हो चुके होंगे और तभी लोगों के बीच में वोट मांगने जाएंगे। ये शुरुआत है। देखिए आप एक चीज़ समझें ना, 28 लाख पेंशनर है हरियाणा प्रदेश के अंदर, आज कह दें पेंशन बढ़ गई, अरे उनको देना भी है, क्या देने भर से नहीं होगा, बजट में प्रावधान करना है, बजट को कहाँ से काम फंड्स को मैनेज करना है, सारी चीज़ें हैं। बजट आया नहीं, अब जो पिछला बजट है उसमें क्या प्रावधान था इतना बड़ा? नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं, जब दोबारा वोट मांगने जाएंगे तो लगभग सारे वादे पूरे हो चुके होंगे। अजय जी, आप अनपढ़ों की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आपके डिप्टी CM साहब हैं, वो भी अमेरिका से ग्रेजुएटेड हैं, आप भी लंदन की लिवरपूल यूनिवर्सिटी है वहाँ से MBA आपने भी किया है, तो क्या आपको पहले नहीं पता था कितना आर्थिक बोझ पड़ता है, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे? अब आप लोगों को मीडिया को ये बता रहे हो कि इससे इतना बोझ पड़ेगा, इतना बोझ पड़ेगा। आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, घोषणा करने से पहले आप पूरा हिसाब किताब रख सकते थे, कोई अनपढ़ नेता होते तो उस तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप? प्रवीण भाई देखिए, आप पढ़े लिखे, आपने अपने सवाल का जवाब स्वयं दे दिया, पढ़े लिखे हैं तभी तो ये बात कर रहे हैं कि गलत बात। देखिए दुष्यंत जी हर चीज़ को सोचते हैं, दुष्यंत जी ने प्रदेश को, दुष्यंत जी की सोच है कि प्रदेश खुशहाल हो, प्रदेश के लोग खुशहाल हो, और प्रदेश तभी खुशहाल होगा जब प्रदेश के लोग खुशहाल होंगे। लेकिन आप देखिए बजट तो आने दो, अभी आए उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा और बजट एलोकेशन सारी चीज़ें होंगी। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो ये बात कर रहे हैं कि बजट आएगा उसके बाद एक बजट में कितना मिलेगा, दूसरे में कितना मिलेगा, जब आखिर में जाएंगे, आखिरी बजट आएगा जब लोगों के बीच में वोट जानने मांगने का समय होगा, तब तक सारी मांगें पूरी हो चुकी होंगी। फिजिबल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी तो वही फिजिबिलिटी वाली बात कर रहे हैं ना, एकदम थोड़ी कुछ कर मतलब आप ये कह दें कि क्या उनसे कर दिया या वो कर दिया। देखिए कानून का खजाना, मतलब हरियाणा प्रदेश की सरकार का खजाना भी है, उसको भी देखना है, नियम कायदे भी होते हैं, चिंता ना करो, जो वादे कर रखे हैं सारे पूरे करेंगे, मतलब 5100 रुपये कर देंगे लास्ट तक सारा। बिल्कुल लगभग साहब, आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है वो तक आप नहीं ला पाए हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा लगातार आप पे आक्रामक है, कम से कम आप वही ला के दिखा दीजिए, क्योंकि क्यों ना माना जाए कि आपकी सरकार है वो स्थिर हो चुकी है, क्योंकि प्रोग्राम आप नहीं ला पा रहे हो, कुछ भी आप नहीं कर पा रहे हो। जो दूसरे राजनेता हैं आपके, जो सबसे बड़े चेहरे दुष्यंत चौटाला हैं, उनके बाद दिग्विजय चौटाला हैं, उन पर नशेड़ी तक के आरोप जनाब आपके नेताओं पर लग रहे हैं और आप बिल्कुल ही बैकफुट पर हैं, कोई भी बयानबाजी आप पलटवार आप कर ही नहीं रहे हो, बैकफुट पर हो, किस कारण हो, क्योंकि लगता है कि आपके हाथ में शायद कुछ अब रहा नहीं? प्रवीण भाई, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति का अपना एक धर्म होना चाहिए, अपने एक सिद्धांत होने चाहिए, अपने संस्कार होने चाहिए। आप किसकी बात को लेकर के बैठ गए हो? जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जो मूर्ख किस्म का व्यक्ति है जो इस प्रकार की बात करता है, और मुझे तो ताज्जुब होता है, मैं तो बहुत ये समझता था कि बेशक हमारे विरोधी दल के हैं, कम से कम दीपेंद्र हुड्डा जी समझदार व्यक्तित्व के धनी हैं। वो टोकते जयप्रकाश को जब इस प्रकार की बात करी है, वही मन से पूछते कोई सबूत उनके पास है तो लाए, क्या कोई अरे बेसिर पैर की बात करना। तो मैं तो एक एडवाइस आपके TV चैनल के माध्यम से दूंगा कि भाई जयप्रकाश जी को अगर सरकारी किसी जांच किया डॉक्टर की आवश्यकता है तो सरकार उपलब्ध कराएगी, वो अपने दिमाग का इलाज कराएं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, टिकट मिला नहीं, राजनीति से बाहर, सब कुछ वो चले हुए कारतूस हैं। ऐसा लग रहा है आपकी बातों से,
कहीं ना कहीं आप लोग फंसे हुए हो, ना चेहरे पे खुशी दिखाई देती है, ना बातों में दम दिखाई देता है, लगता है सरकार अस्थिर शायद हो चुकी है। एक मूर्ख व्यक्ति जो किसी भी प्रकार की बेसिर पैर की बात करेगा, उसकी बात पे हंसकर और क्या क्या प्रतिक्रिया दें। देखिए आप क्या समझते हैं, क्या कहें? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, मूर्ख व्यक्ति है। चौटाला साहब, बड़े साहब लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में घूम रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोगों ने गलती कर दी, आप भटक के गलत पार्टी में चले गए। तो क्या आपको लगता है कि क्या आपके मन में चल रहा है, क्या भटके हुए लोग वाकई में हैं, क्या गलती कर दी थी आपने इनेलो से इधर आकर? क्योंकि चौटाला साहब कह रहे हैं तो मतलब क्या है आपकी राय? ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, सम्मानित हैं, लेकिन इसके साथ वो हमारे विरोधी दल के मुखिया भी हैं। और गलती करी तो पार्टी ने करी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने स्वयं गलती करी, दुष्यंत जी को पार्टी से निकाला, जो हरियाणा प्रदेश के युवाओं का चेहरा बन चुके थे, युवाओं की पसंद बन चुके थे, सभी हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें जिसको आशीर्वाद देना चाहती थी, बुजुर्ग जिसको चाहते थे कि आशीर्वाद, वो बुजुर्गों की आंखों का तारा था, उसको आप पार्टी से निकालेंगे तो ऐसे ही रिजल्ट आएंगे। देखिए उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वो हमारे बड़े हैं, उनका मान सम्मान है, सदैव रहेगा, पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, लेकिन वो हमारे विरोधी दल के मुखिया हैं और उस दल के पास अब कुछ नहीं बचा, तो उसके बारे में टिप्पणी करना है कोई चिंता नहीं। चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं, अस्थिर सरकार है आप लोगों की, अस्थिर सरकार है आप लोगों की, कुछ चर्चाएं भी वैसे नहीं चलाई हैं आप लोगों के विधायकों के कारण हुई है, तो क्या लग रहा है सरकार अस्थिर है या नहीं है, मतलब क्या लगता है आपको? लोकतंत्र किसे समझते हैं आप, जिसमें सबको अपनी बात रखने की आजादी हो? क्या कोई यहाँ इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी थोड़ी लगी है कि कोई भी नेता अपनी बात नहीं रख सकता? अरे लेता है, जो किसी की कोई नाराजगी है वो अपनी बात रखेगा। मैं आपके टीवी चैनल पे कहता हूँ, अगर कल को मेरी कोई नाराजगी होगी तो मैं खुले में अपनी बात रखूंगा, पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा। ये जरूर हमारे विधायकों की गलती रही है, एक विधायक की, उन्होंने पब्लिक फोरम में बात रखी, अगर मेरी कोई शिकायत होगी तो पार्टी फोरम में अपनी बात रखूंगा। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि मैं जिस दल में हूँ अगर उसकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूँ तो मैं वो अपनी बात अपने दल के लोगों के सामने, अपने नेताओं के सामने रखूंगा और उस पर विचार विमर्श होगा। हो सकता है मैं सही भी हूं या गलत भी हूं, अगर मैं सही हूं तो मेरी बात पर गौर किया जाएगा, यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं स्थिर, मैं आपको अश्योर कर देना चाहता हूं, सरकार पूरे 5 साल चलेगी और हरियाणा के लोगों के हितार्थ काम करेगी सरकार। यहाँ ये सरकार किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए थोड़ी है या किसी विधायक को खुश करने के लिए सरकार नहीं है, सरकारें चुनी जाती हैं लोगों के हितार्थ, आम आदमी के हितार्थ काम करने के लिए सरकारें चुनी जाती हैं। आम हरियाणा वासी को खुश करने के लिए आज के हरियाणा की सरकार है, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए हरियाणा की सरकार नहीं है। प्रवक्ता साहब, कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि आश्चर्य होता है देख के, कोई भी घोषणा आप लोग पूरी नहीं कर पाए हो, और मीडिया को आप लोग कैसे फेस कर लेते हो, आम जनता को आप कैसे फेस कर लेते हो, मतलब कैसे कर पाते हो ये इतनी सारी चीज़, मतलब आप नहीं, क्योंकि काम तो आपने ऐसे किए हैं कि जनता के बीच में आप जाओ तो जाओ कैसे, फिर भी आप मीडिया को फेस करते हो, जनता को फेस करते हो, आखिरकार कैसे कर लेते हो ये सब? देखो मैं एक बात मानता हूँ कि दो चार सबके लिए होते हैं। हम सत्ता में 2 महीने में आए हैं और मीडिया लोग समझते हैं, हरियाणा प्रदेश के लोग उपेक्षाएं भी हैं हमसे, वो लोग जानते भी हैं, समय लगेगा हम सारी पूरी करेंगे क्योंकि हम छलावा करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन मीडिया जब इस बात, आप जैसे समझदार लोग जब इस बात को पूछते हैं या कांग्रेस के लोग जब इस प्रकार के सवाल करते हैं, मुझे हंसी आती है। ये वो लोग हैं जो 10 साल तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को दबा करके बैठे रहे। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो उस मुख्यमंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन थे जिसको इसको लागू करने की सिफारिश करनी थी, नहीं करी। भाजपा ने भी फेजिस में लागू करा। आज हम प्रतिबद्ध हैं कि इसको लागू करेंगे, किसान को लाभ देंगे। आज हम ये सोच रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के हकों पे कोई डाका ना डाल पाए, इस प्रकार के प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के हितार्थ काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हरियाणा प्रदेश में जो लगी कंपनियां हैं उनके अंदर रोजगार देने की बात हो, या ये एग्ज़ाम्स जो दूसरी दूर दूर दूसरे डिस्ट्रिक्स में होते थे इनको अपने डिस्ट्रिक्ट में कराने की बात हो, इस प्रकार एक नई स्कीम, क्या कभी सोच सकता था कि ऐसी स्कीम सरकार की तरफ से आएगी कि किसी को कोई समस्या है, वीडियो बनाए और ट्वीट कर दे और वो सरकार तक सीधी समस्या पहुंच जाए और सरकार उसका तुरंत समाधान करे। अच्छा, रोजगार मेला आज लगा है तो इसका क्रेडिट तो भाजपा सरकार को गया ना, इसमें आपका क्या लगा है?
क्रेडिट किसी को भी जाए, नौकरी तो मेरे हरियाणा प्रदेश के भाइयों की लगी है, मेरे झज्जर जिले के, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चे जो थे वो आए नौकरी उन्हें। हम क्रेडिट की ओढ़ वाले लोग नहीं है। देखिए हरियाणा प्रदेश का ही तो होना चाहिए। आज मेरे जिले का मुझे गर्व है कि आज सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दे पाऊंगा आपको अभी क्योंकि अभी वो चल रही है रिक्रूटमेंट, लेकिन 500 प्लस जो मेरा मानना है, जो मैं अभी देख के आया हूँ, इससे ज्यादा लोग रिक्रूट हुए हैं एक दिन के अंदर मेरे जिले से। अतिथि कोई भी नहीं यहाँ पे डिसाइड किया गया? हम मुख्य अतिथि वाले लोग ही नहीं है प्रवीण भाई, हम मुख्य अतिथि वाले लोग ही, हम तो जमीन पर काम करने वाले लोग। कांग्रेस की विधायक थी, हालांकि वो आई नहीं, वो मुख्य अतिथियों में थी। क्या जननायक जनता पार्टी से यहाँ पर कोई नेता नहीं है जिसको मुख्य अतिथि बना दिया जाता? मतलब बीजेपी आपको दबाने की कोशिश तो कर रही है जी। प्रवीण भाई काम करने वाले लोग हैं, मेरी पार्टी के जिलाध्यक्ष 3 से 4 बार वहाँ गए, निरीक्षण करके आए, बच्चों के बीच में गए, बिना निमंत्रण चले गए ना। निमंत्रण की क्या बात है इसमें? देखिये पहली सरकार ऐसी आई है, आज एक पहली सरकार ऐसी है जिसने इस प्रथा को तोड़ा कि बेशक विपक्ष की विधायक हैं, गीता बुक्कुल को मान सम्मान दिया, गीता बुक्कुल को मान सम्मान दिया और उनको बुलाया कि आप आए, बेशक आप सरकार में नहीं है किंतु अब वहाँ की चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, आप आओ वहाँ, आपका सम्मान है, आपके आपके जिले के बच्चे वहाँ नौकरी पाएंगे, आपके आपके विधानसभा क्षेत्र के बच्चे वहाँ आएंगे, बहन बेटियाँ आएंगी, वो नौकरियाँ उनकी लगेंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई थी। नहीं, मैं इस बात का सिरे से खारिज करता हूँ कि क्रेडिट कौन लेगा नहीं लेगा। अंत में भला मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों का होना चाहिए क्रेडिट, कोई कांग्रेस अच्छा काम करे, गीता बुक्कुल आती आज, बहन गीता बुक्कुल आती और मैं क्रेडिट उनको देता, मैं उनको क्रेडिट देता, उनको कहता कि बेशक सरकार की योजना है लेकिन यहाँ से झज्जर से विधायक गीता बुक्कुल आई और अपने लोगों का, अपने झज्जर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का विकास में भागीदार बनी। पर वो नहीं बनना, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है, हम इस सोच के लोग नहीं है, हम तो तरक्की उन्नति की सोच वाले लोग हैं। गीता बुक्कुल आती, उनका स्वागत था और वो तो अतिथियों की लिस्ट में थी, मुख्य अतिथि आप ये मान करके सांसद महोदय के बाद वो थी, उन्हें आना चाहिए था लेकिन वो नहीं आई। आप लोगों में से नाम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसे इसलिए देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश धनखड़ है, वो आपको बनने नहीं देना चाहते, वरना अजय गुलिया साहब है, लिवरपूल से यूनिवर्सिटी से आपने MBA किया, आप भी एजुकेटेड हो, आपसे अच्छा कौन समझ सकता था? क्या हो नहीं सकता कि मुख्य अतिथि में आपका नाम शामिल कर दिया जाता? ओम प्रकाश धनखड़ आपको दबा रहे हैं यहाँ पे, प्रोटोकॉल क्या है जी? देखिए मैं एक चीज मानता हूँ, चाहे आज कोई भी सरकार में हो, चुना हुआ प्रतिनिधि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जो यहाँ के झज्जर जिले के लोगों ने मैंडेट दिया है उसमें कांग्रेस के विधायक जीत करके आए हैं, उनको मान सम्मान, चाहे सरकार किसी की भी हो, ये हरियाणा प्रदेश की सरकार है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की सरकार है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का MLA है। तो जी आपको कहाँ मिला था सरकार बनाने का? आप जहाँ बैठे गोदी में बीजेपी? नहीं, गोदी में क्यों बैठे? आप बात किस मुंह से करेंगे? जनता ने कैसा मैंडेट दिया था? जनता ने इस प्रकार का मैंडेट दिया था, हमने शर्तें क्या रखी? हमने रखी साफ तौर पर शर्तें रखी कि हमारा जो मैनिफेस्टो है इसको हम लागू कराना चाहते हैं। क्या कोई पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो इनकार कर दे कि अगर ये मैनिफेस्टो लागू होगा तो हरियाणा प्रदेश के लोगों को लाभ नहीं होगा? हम गोदी में नहीं बैठे, हम हरियाणा प्रदेश के लाभ के लिए हमने जो सरकार में हम शामिल हुए, सरकार मिलकर हमने सरकार बनाई, वो हरियाणा प्रदेश की प्रगति उन्नति के लिए हमने वो सरकार बनाई है। सत्ता में आने के बाद आपकी गाड़ी ऐसे ही खड़ी है या गाड़ी को आप चलाते भी हैं? पहले तो खूब दौड़ाते थे आप, पूरे मतलब इस एरिया में पूरी फेमस है आपकी गाड़ी कि अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी का रंगवा रखा है। उसके बाद कहीं निकालते भी हैं, वो निकालने की जरूरत पड़ती क्यों होगी? क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आपने की नहीं कि जनता के बीच में जाना है। नहीं देखो प्रवीण भाई, जनता करी क्यों नहीं भाई? पेंशन बढ़ाई आप, 60 दिन की सरकार है, 250 रुपये बढ़ गई, आप हिसाब लगाओ कितनी बढ़ेगी। आप पहले ही हफ्ते सरकार आई जब वो एग्जाम था अपने गृह जिले में वो करवाया, रोजगार मेले लग रहे हैं, ये चीज़ें कोई पहले कभी होती थी क्या? ये पहले नहीं हुई, ये चीज़ें नई चीज़ें हैं। आज ट्विटर पर, आज फेसबुक पर अपनी आप शिकायत कर सकते हो, सरकार तक सीधी अपनी बात पहुंचा सकते हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के सारे मंत्री आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। कल खुशी की बात है, दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं, झज्जर में आ रहे हैं, जो लोगों की शिकायत है तुरंत ऑन द स्पॉट उसका निवारण करेंगे। ऐसी सरकार आज हरियाणा प्रदेश में है, जहाँ के मंत्री, जहाँ के मुख्यमंत्री, जहाँ के उप मुख्यमंत्री, जहाँ के मंत्री और सारे अधिकारियों को आदेश है कि लोगों के बीच में जाओ, दफ्तरों में ना बैठे रहो, लोगों के बीच में जाओ, समस्याएं सुनो, वहीं फौरन उस समस्याओं का समाधान करो। चलिए दुष्यंत सिंह चौटाला कहाँ पे आ रहे हैं और ये बता भी दीजिए ताकि जनता है CM साहब से आपसे मिल पाए और देखें कैसा नजर। अरे भाई दुष्यंत भाई तो चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री या और भी कहीं आगे बढ़ेंगे,
और हम तो कामना करते हैं देश के प्रधानमंत्री बने, वो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, वो जनता लोग उन्हें अपना भाई मानते हैं, लोग उन्हें अपना बेटा मानते हैं, तो वो आएंगे जवाहराबाग में, खुले दरबार हैं, खुले दरबार, कोई आए कोई उनसे मिले और अपनी समस्याएं लेकर के आए, दुष्यंत जी उसका समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे प्रेस प्रवक्ता अजय गुलिया साहब, और काफ़ी तीखी नोकझोंक आज इनसे हुई है। बाकी बारीकी से हमने इनसे पूछा है कि घोषणाएं क्या क्या आपने कही थी, घोषणाएं आप क्या कर रहे हो, लेकिन कम से कम ये इतना बोल रहे हैं कि जिस 8 दिन की सरकार है कुछ ना कुछ तो आगे प्रोग्रेस हमने की है। और ये जरूर इन्होंने कहा है कि अगले चुनाव में 5 साल के बाद जाएंगे, मतलब ये बताया है कि ये सरकार इनकी पूरे 5 साल चलेगी, और 5 साल के बाद जब जाएंगे तो जनता के सामने जो जो चीज़ें उन्होंने बोली है वो पूरे वायदे करके जाएंगे। अब करके जाएंगे नहीं करके जाएंगे बचाव के लिए कह रहे हैं, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि कल डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत सिंह चौटाला जवाहराबाग स्टेडियम में जो रोजगार मेला चला हुआ है वहां पर भी आएंगे, तो दुष्यंत चौटाला साहब से भी हम ये तीखे तीखे सवाल पूछेंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, शुक्रिया।